नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फुल सुंदर एजुटेक। सीखिए कुछ नया। साथियों, फरवरी आ रही है और फरवरी माह में प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपना इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर्म अर्थात अपना वेतन गणना आयकर गणना प्रपत्र भरकर देना होता है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन कई साथियों के सामने समस्या ये रहती है कि वो टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और इसके लिए कंप्यूटर सेंटर पर उन्हें जाना पड़ता है और 100-150 रुपये इसके खर्च करने पड़ते हैं। ये काम मैं इस वीडियो के द्वारा बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ, आप घर बैठ कर इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। और सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। तो लीजिए शुरू करते हैं ये वीडियो, अंत तक आप बने रहिए। ब्राउजर को आप खोलें, क्रोम ब्राउजर खोला। सबसे पहले आप यह टाइप करें RSS राष्ट्रीय, ये RSS राष्ट्रीय की वेबसाइट आप खोलें। लिखा हुआ आएगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, इस साइट को आप ओपन करें। इसमें यहां आप नीचे आएं और ये लेफ्ट हैंड पे नीचे ही नीचे आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2018-19, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने पर ये यहाँ देखिए आप, आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2018-19, इसमें ये चार फॉर्मेट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट वाला जो है आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु, इसको आपको यहाँ क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ क्लिक करते ही ये देखिए आप, ये डाउनलोड में आपके सेव हो जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका ये जो एक्सेल फॉर्मेट है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर सेक्शन में जाना है और ये डाउनलोड का जो सेक्शन है, यहाँ देखें आप कि यहाँ एक एक्सेल फाइल पड़ी है। ये देखिए आप, ये एक्सेल फाइल सीपी कुर्मी टैक्स कैलकुलेशन के नाम से है। ये इसको आप यहाँ से कॉपी करके और डायरेक्ट डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर लें। इसको क्लिक करना है, ओपन करें आप इसे। ये देखिए, ओपन करने पर सबसे पहले ये इस तरह की विंडो दिखाई देगी, यहाँ आपको यस करना है। यस कर दिया, यस करते ही ये देखिए ये एक्सेल फाइल आपकी खुल गई है, सॉफ्टवेयर आपका खुल गया है। और यहाँ ये चार टैब दिखाई दे रहे हैं नीचे, हाउ टू यूज, GA55, अदर डिडक्शन और कंप्यूटेशन। सबसे पहले जो टैब है हाउ टू यूज, हाउ टू यूज में आपको ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको ध्यान से पढ़ के और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इनकम टैक्स फिल करना है। इसके बाद देखिए आप, ये GA55 को खोलें आप। GA55 को खोलते ही सबसे ऊपर से आप शुरू करें कि यदि आप 1/1/2004 या उसके पश्चात नियुक्त कार्मिक हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यस चुने, अन्यथा नो चुने। अगर आप 2004 के बाद के हैं तो यस करना है और 2004 से पहले के हैं तो नो करना है। मैं 2004 से पहले का हूं तो मुझे यहां पर क्लिक करना है नो में। ये देखिए यहां ये विंडो आई, यहां से मुझे नो चुनना है। नो ऑलरेडी आ रहा था इसमें। अगर आप 2004 के बाद के हैं तो आपको यहां पर यस करना है। इसके बाद देखिए, क्या आपने समर्पित वेतन लिया है, नो आ रहा है। सरेंडर अगर आपने लिया है तो यहाँ यस करें, इसको क्लिक करें और यहाँ से यस के ऑप्शन को चुनें। सरेंडर लिया है, यदि हाँ तो जिस माह में बिल बना उसका क्रमांक चुनें। मैंने सरेंडर लिया है 8वें महीने में, अगस्त में,
तो मैं यहाँ से ये 8 को चुन लूंगा। उसके आगे देखिए, क्या आप वरिष्ठ नागरिक अर्थात 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं? अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। सभी के नो ही आना है यहाँ। क्या आपने बोनस मिला है? अगर आपको बोनस मिला है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके यस को चुन लें और नहीं तो नो रहने दें। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ ये जो ऑफिस नेम है आपका, स्कूल का, ऑफिस का, जो भी नाम है, आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ अब आप ऑफिस का अपना नाम टाइप कर दें, स्कूल का। देखिए यहाँ क्लिक करके और आप टाइप करना शुरू कर दें और एंटर दबा दें। एंटर दबाते ही ये देखिए मेरे स्कूल का नाम आ गया है यहाँ। ये सैलरी एंड डिडक्शन डिटेल ये ऑलरेडी यहीं ऐसे कैसे रहनी है। अब यहाँ अपना नाम चेंज कर लें आप, यहाँ क्लिक करें और अपना नाम आप यहाँ पर टाइप कर दें, या पोस्ट अपनी टाइप कर दें आप, या अपने पैन नंबर आप टाइप कर दें। इसको क्लिक करें और अपने पैन नंबर डाल दें। 10 नंबर अगर आपको याद हैं अपने DDO के तो 10 नंबर डाल दें, नहीं तो इसको आप ए ए ए ए करके छोड़ दें। या बैंक अकाउंट नंबर में अपने बैंक के अकाउंट नंबर डाल दें, आपके सैलरी अकाउंट नंबर। यहाँ SI नंबर आप टाइप कर दें। यहाँ आप GPF नंबर में हैं अगर आप 2004 से पहले के हैं और GPF नंबर है तो GPF नंबर डाल दें, 2004 के बाद के हैं। और NPS सिस्टम में है तो आपके NPS प्राण नंबर आप यहाँ पर डाल दें, या अपने मोबाइल नंबर डाल दें और सबको क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएं। साथियों, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ अपनी मार्च की बेसिक आपको डालनी है, मार्च 2018 की। मेरी मार्च की जो बेसिक थी वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए, ये 56,100 डालते ही आगे की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये एंटर दबा दिया और ये आगे की अपने आप बेसिक जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। DA, HRA सब चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, इसमें ग्रॉथ सैलरी आपकी आ जाएगी। आपको केवल चेंज करना है जो कटौतियाँ आपकी है वो, इसमें जो स्टैंडर्ड स्लैब्स हैं उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग कटौतियाँ दे रखी है, आपको अपने हिसाब से अपनी कटौतियाँ यहाँ पर डालनी है। जैसे मेरी GPF की जो कटौती है वो मेरी स्लैब के अकॉर्डिंग ही है तो वही यहाँ पर शो हो रही है, मुझे यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके GPF लोन है तो आप GPF लोन यहाँ शो कर दें। SI में आपकी कितनी कटौती हो रही है वो आप यहाँ शो कर दें। SI में जैसे मेरी 4,000 हो रही है, ये 4,000 मैंने डाल दिया, एंटर दबा दिया तो हर महीने में 4,000 ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपके SI लोन कट रहा है SI लोन आप यहाँ पर डाल दें। RPMF में आपका कितना कट रहा है वो आप यहाँ पर डाल दें। साथियों, इसके लिए आप एक काम और करें कि अपना जो GA55 है वो GA55 का प्रिंट निकाल कर आप अपने पास हाथ में रखें और उसको देख कर आप इसको भर लें। मैं अपना GA55 यहाँ से खोल के निकाल रहा हूँ, ये मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखा है। ये GA55 मैंने खोला, ये देखिए मार्च की बेसिक ये आ गई। DA ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रखा है उसमें। अब यहाँ मेरी कटौतियाँ इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डालनी है। इनकम टैक्स में जैसे 1,000 रुपये कट रहे हैं, RPMF में 680, तो ये यहाँ वापस इसको खोलिए आप एक्सेल फॉर्मेट को, यहाँ पर अपनी चेंज कर दीजिए। RPMF में 680 है, या LIC में मेरे कुछ भी नहीं कट रही है सैलरी से। अगर आपके कट रही है सैलरी से तो सैलरी से जो LIC कट रही है उसको आप यहाँ पर मेंशन करें, और अगर सैलरी के अलावा अगर कोई LIC कट रही है तो उसको आप यहाँ पर अदर डिडक्शन में शो करें। ग्रुप इंश्योरेंस में यहाँ आपको अप्रैल में डालना है, अप्रैल में आप यहाँ पर 220 रुपये की कटौती शो कर दें। और इसके बाद आप इनकम टैक्स में आ जाएं, इनकम टैक्स में आपके कितना कट रहा है महीने का वो आप यहाँ पर शो कर दें। मैंने 1,000 रुपये कटाए हुए हैं, ये मैंने एक एक एंटर करते ही हर महीने में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। चलिए, ये डिडक्शंस पूरे हो गए, GPF हो गया, GPF लोन, SI लोन, RPMF, LIC सारी चीज़ें हो गई, इनकम टैक्स वगैरह। अब देखिए नीचे चलते हैं हम,
ये 12 महीने की फरवरी 2019 तक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब यहाँ तक कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, अब देखें आप एरियर्स को। अब आपका GA55 खोलें, GA55 में कितने एरियर आपके बन रहे हैं इन एरियर्स को देखिए आप। यहाँ आप इसकी एक्सेल वापस आप इसके सॉफ्टवेयर को खोलें और ये डीए एरियर एक, चूंकि आपके अगर दो डीए एरियर बने हैं तो दोनों को आप यहाँ शो करें अपने GA55 में देख के। और मेरा एक ही एरियर बना है तो एक को मैं कर रहा हूँ, एक को जीरो कर देता हूँ। ये डीए एरियर 9% वाला बना मेरा, इसका अमाउंट कितना था, ये अमाउंट आ रहा है इसका, ये डीए का 2890 रुपये, ये 2890 यहाँ डाले, ये यहाँ डाल दिया मैंने 2890। और इसमें से 2890 में से ये देखिए आप 2312 रुपये GPF में जमा हुए हैं और 578 रुपये कैश मिले हैं। तो यहाँ आप इसको फिल कर दें, ये 2890 में 2312 रुपये ये इसमें जमा हुए और ये बाकी 578 केस आ जाएंगे। सरेंडर का ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद नीचे चले हम, बोनस मेरा उठा ही नहीं तो यहाँ बिल्कुल खाली दिखा रहा है। अगर आपके बोनस उठा है, आपने बोनस लिया है तो यहाँ आपने यस किया होगा और यहाँ ऑटोमेटिक उसकी एंट्री आ जाएगी। इसके बाद देखिए एरियर्स, इस साल सभी के एरियर्स उठे थे 7th पे के, वो एरियर्स भी आपको यहाँ पर शो करने हैं। कैसे करने हैं, ये आपका GA55 खोलें वापस, इसमें देखिए आप एरियर कब कब बना आपका। ये मेरा एक एरियर बना यहाँ पर सैलरी एरियर, ये देखिए इसकी बेसिक भरें और डीए भरें। ये बेसिक आ रहा है इसका 92,260, यहाँ लिखिए आप, यहाँ पर 92,260। और डीए में देखिए वापस, ये डीए में -70,739। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, माइनस में है तो माइनस में ही भरना है आपको, -70,739। तो यहाँ आप डीए में -70,739 ये भरते ही ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा 21,521। अब देखिए इसमें इस सैलरी एरियर में GPF में कितना कट जमा हुआ और इनकम टैक्स में कितना जमा हुआ। तो GPF की राशि GPF में शो कर दें और इनकम टैक्स की इनकम टैक्स में शो कर दें। ये देखिए आप यहाँ पर ये GPF में और ये इनकम टैक्स में इधर, तो 19,367 ये GPF में 19,367 ये डाल दिया मैंने और इनकम टैक्स में कटा 2154। ये 2154 इसमें डाल दिया। अब दूसरा एरियर देखिए आप, इसको GA55 को खोलें, GA55 में दूसरा एरियर ये देखिए, ये जनवरी में उठा है दूसरा एरियर। यहाँ बेसिक और डीए दोनों को देखें, बेसिक जो भी बन रहा है वो डालें आप। 215,272 यहाँ डाल दिया मैंने और डीए है -163,057। तो ये यहाँ पर -163,057 ये डालते ही आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ आप देखिए GPF में कितना कट रहा है, सैलरी एरिया में GPF में 45,193 यहाँ डाल दें आप, 45,193। इनकम टैक्स में जितना कटा है
ये 55 में से देखें, 5022 यहां डाल दें आप, 5022 ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। इस तरह आप जो भी आपके एरियर्स बने हैं उन एरियर्स को आप यहां पर शो कर दें अपने जीए 55 को देखकर। जीए 55 के अकॉर्डिंग आपको इसको भरना है, जीए 55 हाथ में रखें और उसके अनुसार आप इसको भर दें। अब आप मिला लें इसको अपने जीए 55 से, यहां तक आपको मैनुअल करना था। अब यहां देखिए आप, ये मैं अपन मिलाते हैं इसको, ये मेरा जीए 55 है, ये टोटल जो अलाउंसेज आ रहे हैं ये 902,305, ये देखिए यहाँ पर ये 902,305 ये राशि आ गई यहाँ पे, ये 902,305। अगर आप एक एक को चेक करें तो एक एक को भी चेक कर लें, ये बेसिक डीए एचआरए सारी चीज़ें आपकी मिल जाएगी और टोटल जो ग्रॉच जीपीएफ की कटौती मिला लें, ये सारी कटौतियाँ आप मिला लें, ये आपके जीए 55 से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, अगली टैब खोलनी है अदर डिडक्शन वाली, ये अगली टैब खोलें और अगली टैब में आप अपने जो अदर डिडक्शंस हैं, अन्य कटौतियां जो सैलरी बिल में नहीं हो रही है, वो कटौतियां आप यहां पर शो करें। गृह ऋण किस्त, अगर किसी के होम लोन चल रहा है तो होम लोन में आप होम लोन का स्टेटमेंट निकालें और होम लोन के स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जितना बन रहा है, आपके होम लोन में जितना इंटरेस्ट आपका बन रहा है उस इंटरेस्ट को तो आप यहाँ पर शो करें और जितना मूल बन रहा है वो मूल यहाँ पर शो करें। तो मेरे इंटरेस्ट बन रहा है 36,000 और मान लीजिए मेरा जो टोटल किस्त में से इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो शेष बचा वो मूल कहलाएगा, तो मान लीजिए 56,000 मेरा मूल में जा रहा है। इसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम जो आपके वेतन से नहीं कट रहा है और एक्स्ट्रा आपकी LIC आप डायरेक्ट जमा करा रहे हैं, वो LIC का प्रीमियम आप यहाँ पर भर दें। योजना अर्थात जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पर डाल दें। अगली टैब को आप दबाएं, कंप्यूटेशन, ये देखिए ये कंप्यूटेशन, अब आपकी टैक्स की कैलकुलेशन स्वतः ही हो गई, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी, आपके इससे मिलान कर लीजिए अपने जीए 55 से, ये 902,305, ये 902,305, ये यहाँ आपको 40,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक कट गया। ये कटने के बाद ये होम लोन पर जो इंटरेस्ट था वो कट गया। ये कटने के बाद जो अंडर सेक्शन 80C के तहत जितनी कटौतियां हैं, 1,50,000 की उस पर छूट मिलनी है चाहे आपकी कटौती कितनी भी हो, ये सब कटने के बाद ये ऑटोमेटिक टैक्स की कैलकुलेशन कर देता है। इस सॉफ्टवेयर में आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने डेटाज आपको इसमें फीड करने हैं और वो भी केवल मार्च की सैलरी और अपने जो कटौतियां हैं डिडक्शंस हैं वो आप इस पर डाल दें तो ये ऑटोमेटिक गणना कर देगा। अब देखिए ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन हो चुकी कंप्लीट। अब यहाँ देखिए कि ये टैक्स बन रहा है, मान लीजिए मेरा टैक्स बन रहा है यहाँ पर, ये कुल आयकर 47,199 और मेरा अब तक का टैक्स कटा 35,176, जिसमें मंथली जो कटवाया वो और एरियर्स में जो कटा वो TDS के रूप में यहाँ पर शो करेगा, टोटल मिलाकर 35,176। अब इनकम टैक्स पेएबल हो गया 12,023 रुपये, अर्थात अब जनवरी और फरवरी दो महीने में मुझे ये टैक्स भरपाई करनी है। तो आप यहाँ वापस इसको खोलें और इसमें जो जनवरी और फरवरी का जो इनकम टैक्स का जो कॉलम है ये देखिए, यहाँ पर आप बाकी के टैक्स को आप यहाँ पर
बराबर कटवा लें। तो ये आपका टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ डालती ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन हो जाएगा, ये 0-0 आ गया क्या है। अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट ले लें इसका एक तरफ से, फिर वापस उसी पेज को दूसरी तरफ से ये GA55 का खोलें और इसको आप प्रिंट ले लें। आगे पीछे एक तरफ GA55 और एक तरफ कंप्यूटेशन, दोनों तरफ इसको प्रिंट करके और अपने हस्ताक्षर करके अपने DDO को जमा करा दें। वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार आप इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और उसको देखने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपना ये टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स असेसमेंट फॉर्म जो है, आप खुद भरकर अपने DDO को दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें।